और सबसे पहले तो मैं जो है लेडी सिंघम के पूरी इंटायर टीम को जो है थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद। और इस फिल्म को जो है फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जो है दिलीप गुलाटी जी, इस प्रोड्यूसर जो है सरला जी, और फिल्म के जो है एक्टर गौरव भाई, रानी जी, शक्ति कपूर जी, सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी सुनने में आया। और अभी इसका मैं अभी ट्रायल भी देखने जा रहा हूँ, तो ट्रायल देखने के बाद भी आप लोगों को बताऊँगा क्या कि फिल्म कितनी अच्छी बनी है और फिल्म की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषता हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत खुशी फील हो रही है कि जो है जब हम किसी फिल्म का जो है मुहूर्त होता है या किसी फिल्म की जो है लॉन्चिंग होती है, तो आज जो है हम इस फिल्म के ट्रायल शो में आए हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। नो डाउट, जब ससुरा बड़ा पैसे वाला आए थी तो उस समय हम पढ़ते थे, पढ़ाई कर रहे थे उस समय, और आज भी जो है देखिए कि आज भी रानी जी हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी रानी जी थी, और आज मैं जो है 10 सालों से इंडस्ट्री में मैं खुद हूँ, रानी जी आज भी काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है रानी जी के लिए। और ज़रूर उनमें कुछ खासियत है, ज़रूर उनमें कुछ कला है कि आज जो है कम से कम 12-15 साल से जो है इंडस्ट्री में जो है 17 साल हो गए मुझे ऐसा लगता है, 17 साल से इंडस्ट्री में अपने पैर को जमाई हुई काम कर रही हैं। तो एक लेडी, एक हीरोइन के लिए इतना जो है लंबा समय इंडस्ट्री में जुड़े रहना, काम करते रहना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत तो मैं उनको बहुत थैंक्स करूँगा, थैंक्स अ लॉट, और कि जो है ऐसी काम करती रहे, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नो डाउट रानी जी ने जो है हमेशा जो है अच्छा काम किया है, उनका जो है बहुत जो है उनकी वुमन वांटेड फिल्में भी बहुत सारी आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनका भी एक दौर भी रहा है। और आज भी देखिए लेडी सिंगर भी बनी है। जी जी जी, बहुत मैं और चूँकि क्या है कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत क्लोजली रहती हैं, सीन को बहुत अच्छे से शेयर करती हैं, मस्ती मजाक जॉली, एक एक्टर को बहुत जॉली, बहुत ऑफिली माइंड। हाँ, अभी जो है उन्होंने लुक के अभी उन्होंने वेट कम किया है, तो जाहिर सी बात है समय सिचुएशन के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर को अपने लुक जो है अपने वेट भी जो है इम्प्रूव और इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो रानी जी ने अभी जो है अपना जो है वेट जो है लूज़ किया है और काफ़ी जो है मेहनत करनी है अपने लिए, अच्छी बात है, एक एक्टर को हमेशा जो है मेहनत कश होना ही चाहिए। अभी तो फिलहाल रानी जी के साथ कोई ऐसा प्लान नहीं चल रहा, लेकिन इंशाल्लाह लग रहा है कि कोई ना कोई हम लोग फिल्म करेंगे अभी जो है, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा कोई ऐसा फिल्म नहीं रानी जी के साथ। अभी इस मंथ में हमारी जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आ रही है हमारी टीनेजर्स लव स्टोरी आ रही है, मार्च में आ रही है दिनेश लाल यादव जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर आ रही है, और फरवरी में ही इसी मंथ में आ रही है मेरी फिल्म एक और जाल खेसारी जी के साथ आ रही है, और पवन जी के साथ फिल्म आ रही है हमारी। तो फिल्म में आपको दर्शक देखना चाहेंगे, उसके लिए आपने कुछ किया है? जी, अभी हमारी एक फिल्म जो है अभी बलमा डेरिंगबाज बिहार और झारखंड में रिलीज हो चुकी है अभी, वो भी शायद मार्च में जो है हमारी फिल्म बलमा डेरिंगबाज भी आ रही है एज अ हीरो, तो पॉजिटिव है उसमें हीरो का करेक्टर। जी, हीरो का करेक्टर। देखिए अच्छा लगा, देखिए हीरो तो जो चीज़ है नाम ही बड़ा है, ऐसा नहीं है, हीरो जो है बहुत बड़ा चीज़ होता है एक फिल्म का जो है कह सकते सबसे एक पावरफुल पर्सन जिसकी जो है स्टोरी जिसकी कहानी उसी के कंधे पे उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो हीरो जो है बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नो डाउट अच्छा लगा और मैंने कोशिश किया है अच्छा करने का। अब ये जब बिहार और झारखंड के दर्शकों ने तो इसको बहुत प्यार दिया, और भी बहुत जल्दी जो है यूपी और मुंबई में रिलीज होने वाली है, तो प्लीज़ जब ये बलमा डेरिंगबाज आप लोगों के नज़दीकी सिनेमाघरों में लगे तो प्लीज़ इस फिल्म को आप लोग प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.